हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या आपने मेरी हीरे के लिए कोई रिश्ता देख लिया? अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वो एक मैच्योर आदमी है, उसकी वाइफ की डेथ को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। उसका इकलौता बेटा शादी करके अमेरिका में सेटल्ड है। वो यहाँ पर तनहा जिंदगी गुजार रहा है अपनी अम्मी के साथ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फारूक साहब, जब आपने 10 साल तक शादी नहीं की तो अब आपको दूसरी शादी का ख्याल कैसे आया? मुझे उम्मीद थी कि आप समझ आए। चाचा जान फारूक साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे, कह रहे हैं वो बहुत अच्छे इंसान है। तुम भी तो कह रही थी कि वो बहुत अच्छे हैं, दौलतमंद होने के बावजूद उनमें गुरूर नहीं। हाँ ये तो है, पर पता नहीं मेरा मर्दों से एतबार उठ गया। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। फरा तुम अब भी अपने फैसले पर गौर सोचो वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने दूंगा। बेहतर है कि तुम इज्जत से मेरी जिंदगी में शामिल हो। मैं तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा मौत को तरजीह दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? आंखें खोले, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चाचा जान, अरे प्लीज एम्बुलेंस। चाचा जान क्या हुआ है आपको? पता है चाचा जान, आंखें खोले चाचा जान, आंखें खोले चाचा जान। पर रुक मियां, अशफाक साहब। हाँ बोले। मैं हीरा को लगभग आपकी आवाज। अरे की रफ्तार देखो कितनी तेजी से गुजर रहा है। दिल को यकीन ही नहीं आता चाचा जान को हमसे बिछड़े 1 हफ्ता बीत गया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं राहिल को फोन करती और शायद ना ये सब इस तरह होता जो हुआ है। नहीं फरा, तुम खुद को इल्जाम मत दो। होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। मैं आज रात घर चली जाऊंगी, मारू भाई तुम्हें लेने आ रहे। आज तुम भी इस घर से विदा हो जाओगी, मगर मेरी एक बात याद रखना, मारू भाई को कभी राहिल के बारे में नहीं बताना। नहीं फरा, जब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया तो मैं भी उनसे कुछ छुपा कर बेईमानी नहीं करना चाहती। देखिए अम्मी, आप ही तो कहती थी कि इस घर को मुलाजमा नहीं मालकन की जरूरत है। तो क्या इरफान और सानिया लंदन से वापस आ रहे? अरे पहेलियां क्यों पूछवा रहे हो? आपकी बहू आई है अम्मी, ये रहा। वालेकुम अस्सलाम। तेरी उल्फत में मुझे भी चचा जान की जुदाई का बहुत दुख है, मगर इस बात की खुशी भी है कि
जिस तरह राहिल यहाँ से मुंह छुपा कर भागा है, वो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ठीक कह रही हो तुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सबर का बहुत अच्छा सिला दिया है फर्रुख भाई की सूरत में, जिस तरह उन्होंने हमारा इस दुख में साथ दिया। इनके हमदर्द रवैये ने बता दिया वो कितने अच्छे इंसान हैं, जबकि तुम्हारे दूल्हा भाई ने शिरकत करना गवारा नहीं की। अच्छा तुम अपना दिल बुरा मत करो, फोन तो किया था ना उन्होंने, माजरत कर रहे थे कि बिजनेस की मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। मैं आज रात घर चली जाऊंगी, फरू भाई तुम्हें लेने आ रहे, आज तुम भी इस घर से विदा हो जाओगी, मगर मेरी एक बात याद रखना, फरू भाई को कभी राहिल के बारे में नहीं बताना। नहीं फरा, जब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया तो मैं भी उनसे कुछ छुपाकर बेईमानी नहीं करना चाहती। मैं बता दूंगी कि नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। मर्द इस मामले में बड़े पॉजिटिव होते, खुद चाहे जैसे भी हो, अपनी बीवी के करीब से भी किसी मर्द का गुजरना पसंद नहीं करते। मगर फर्रुख तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तुम कम उम्र हो, हसीन हो, वो जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द आया या नहीं, मगर तुम अपनी जबान नहीं खोलना। तुम उनकी इतनी खिदमत करना, इतना प्यार देना कि उनको यकीन आ जाए कि वही तुम्हारी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द है। आगाज कर रही हूँ, इस खास दिन के हवाले से आपने बहुत से ख्वाब देखे होंगे, बहुत से अरमान होंगे आपके दिल में, जो अशफाक साहब की मौत की वजह से अधूरे रह गए। मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ फरुख साहब। फरुख साहब नहीं, सिर्फ फरुख। अरे सर, आप तो शर्मा गए, अभी तो हमने बहुत सी बातें करनी है, मम्मी से मिलवाना है, मम्मी को शादी का बताना है। वैसे मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा, कैसे हो? जीते रहो जीते रहो। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। अरे बे तुम कहाँ हो, मैं तो बहुत देर से आई बैठी हूँ। वो मम्मी, वो
खैर छोड़े इस बात को, आप ये बताएं कि आपका लाहौर का ट्रिप कैसा था? मामू जान कैसे हैं? ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा, मामू जान भी सही हैं, तुम्हें पूछ रहे थे। और सच पूछो तो भाई साहब के यहाँ गुजारे हुए दिन तो हवा की तरह गुजर गए, वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चला। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आपको क्या मेरी याद नहीं आई? आपने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया। अरे तुम्हारी वजह से तो वापस आई हूँ बेटा, वरना मामू जान तो भेजने को तैयार ही नहीं थे मुझे। अम्मी मैंने आपकी तनहाई दूर करने के लिए एक हस्ती का बंदोबस्त कर लिया है। हस्ती? कोई अच्छी मुलाजमा मिल गई है? वो देखे अम्मी, आप ही तो कहती थी कि इस घर को मुलाजमा नहीं मालकन की जरूरत है। तो क्या इरफान और सानिया लंदन से वापस आ रहे? अरे पहेलियां क्यों पूछवा रहे हो? आपकी बहू आई है। बहू? हाँ अम्मी, मैंने शादी कर ली है, बहू बाहर गाड़ी में बैठी है। शादी कर ली? कब? किससे? और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की? अम्मी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी बहू को बाहर से यहाँ ले आऊं। बहुत खूब मेरे बेटे, जब घर तक ले ही आए तो अंदर भी ले आ। ना भी है। ये मेरी अम्मी है, अम्मी ये मेरा। सलाम अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं हीरा को कमरे तक छोड़ कर यह है तुम्हारा बेडरूम, मैं जरा अम्मी से मिल के आता हूँ। क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम्हारी खुशियों में शरीक हो सकती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर किस खानदान की लड़की को ब्याह कर लाए हो? मुझे लगता है कि शायद आपकी अम्मी खुश नहीं हुई। देखो ये सब कुछ इतना अचानक और उनकी लाइलमी में हुआ कि उनकी नाराजगी दुरुस्त है। नेचर वो बहुत अच्छी है, थोड़ी देर के लिए हवा होंगी फिर ठीक हो जाएंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाचा जान ने ये फैसला अपनी बीमारी की वजह से किया था, और हम लोगों ने फर्रुख भाई की दौलत नहीं शराफत देखी थी। और देखना भी मत, याद है ना उसका एक जवान बेटा भी है, और वो इतनी आसानी से एरो गैरो के हाथ से अपने बाप का माल नहीं आने देगा। Thank you.
अम्मी, आप क्या मेरे फैसले से खुश नहीं हैं? क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम्हारी खुशियों में शरीक हो सकती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर किस खानदान की लड़की को ब्याह कर लाए हो? अम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुने। हीरा गरीब जरूर है, लेकिन एक शरीफ और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। उस बेचारे के माँ बाप नहीं है, वो चचा के साथ रहती थी। ये गरीब खानदान तुम्हें मिला कहाँ? वो अमीन बाब, हीरा के जो चचा हैं, उनका एक्सीडेंट मेरी कार के साथ हो गया था। फिर मैं दो चार दिन उनकी आयादत के लिए उनके घर पे जाता रहा और वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ये कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे और चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उसकी भतीजी की रुख्सती हो जाए। आप अपनी तन्हाई और मुलाजमीन की चोरियों से परेशान थे। सानियार और इरफान पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में मैंने फैसला किया कि मैं शादी कर लूँ। अम्मी, मैं आपको बताने के लिए आया था। आप लाहौर जाने के लिए तैयार थी और आप मेरी बातें नहीं सुन रही थी। तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे, मैं सारी उम्र के लिए तो वहां नहीं गई थी। अम्मी, बात दरअसल यह है कि एक हफ्ता कबल हीरा के चचा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मैंने उसी वक्त निकाह करने का फैसला किया था। और निकाह के थोड़ी देर बाद उसके चचा की डेथ हो गई। आज मैं पहली दफा हीरा को यहां लाया हूं। एक बहन के अलावा उसको और कोई नहीं। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। मुझे लगता है कि शायद आपकी अम्मी खुश नहीं हुई। देखो, ये सब कुछ इतना अचानक और उनकी लाइलमी में हुआ कि उनकी नाराजगी दुरुस्त है। भाई, नेचर वो बहुत अच्छी है, थोड़ी देर के लिए हवा होंगी तो ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं, हीरा से बात कर रही थी। अरे भाई बाहर गए, सोचा हीरा की खैरियत ही पता कर लूं। अरे भाई, खैरियत से ही होगी, इतने बड़े लोगों में जो गई है। जी, अल्लाह का शुक्र है, खुश है। फारूक बाहर गए हैं तो फिर हीरा को यहाँ बुला लो। वहां क्यों रुकी हुई है वो? कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा और तुम भी खुश हो जाओगी। वो नहीं आएगी। फरुख भाई भी उसे साथ ले जाना चाहते थे, पर वो गई नहीं। कह रही थी कि सास अकेले रह जाएंगी। बेवकूफ है वो, उस घर में इतने नौकर हैं, वो क्यों उस बुढ़िया की खातिर अपनी खुशियां खराब कर रही है? मंसूर, हमारी तरबियत ही ऐसी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। जानता हूँ कितनी नेक पगड़ी है तुम दोनों बहनों।
شادی دولت کے لیے کی اور ڈرامے بازیاں خدمت گزاری کی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں سب سمجھتا ہوں فرح، تم لوگوں نے فاروق کی دولت دیکھی، اس کی عمر نہیں دیکھی. اور ٹھیک ہی ہے بھائی، بڈھا مر جائے گا تو پھر ایش ہی ایش. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چچا جان نے یہ فیصلہ اپنی بیماری کی وجہ سے کیا تھا، اور ہم لوگوں نے فروخ بھائی کی دولت نہیں شرافت دیکھی تھی. اور دیکھنا بھی مت، یاد ہے نا اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، اور وہ اتنی آسانی سے ایرو غیرو کے ہاتھ سے اپنے باپ کا مال نہیں آنے دے گا. یہ محض آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ نے دولت کو ہمیشہ رشتوں پر اہمیت دی ہے، اسی لیے آج تک برباد ہیں، اور ساتھ میں میں بھی. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام. دیتی رہو چائے. تم نے یہ چائے کیوں بنائی؟ ملازمہ آ کے بنا لیتی. امی جان آپ کا کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اب آپ کو کوئی بھی کام ہو تو پلیز مجھے ہی بتائیے گا. اچھا آتے کے ساتھ ہی بھک منگوں کی چالاکیاں شروع کر دیں. ارے میں خوب پہچانتی ہوں تمہیں لڑکی، خوب پہچانتی ہوں. خدمت کرنے کے بہانے ہماری دولت اور ہمارا مال سمیٹنا چاہتی ہوں. میرے بیٹے کو تو تم نے بے وقوف بنا لیا، لیکن مجھے بے وقوف نہیں بنا سکو گی. اور میں بھی تمہیں اس گھر میں چین سے تو نہیں رہنے دوں گی، سمجھا کیا ہے تم نے؟